हेलो एवरीवन। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में अभी डिस्कस किया था कि प्रीलिम्स का क्या है कि फियर लोगों के बीच में बहुत बढ़ रहा है, एंड अभी मेरा क्या है रिसेंटली मेंस भी ओवर हो चुका है, तो इसलिए हम इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं कि क्या मेरा थॉट प्रोसेस रहा 2022 के प्रीलिम्स में, जिसने कि दैट एनेबल्ड मी टू स्कोर अराउंड 125 मार्क्स, जो अलग अलग आंसर की इससे मेरे बन रहे थे 125 प्लस मार्क्स मेरे उसमें बन रहे थे। तो अभी मेंस ओवर हो गया था, देन आई थॉट कि क्यों ना वो अपनी स्ट्रेटजी हम शेयर करें। एक वीडियो ऑलरेडी मैंने इसमें अपलोड कर रखी हुई है, सेट सीरीज मेरा इसमें सी था, तो आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, पड़ी होगी चैनल पे, राइट। इसके अलग से एक PYQ की मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी हुई है। नाउ अगेन मैं फिर से ये बात आपको बता रहा हूँ कि इन क्वेश्चंस के आंसर क्या थे ये हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। ये हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट वाज माय थॉट प्रोसेस इन द एग्जाम, कि एग्जाम में मेरा थॉट प्रोसेस क्या था, क्या सोच के, मतलब किस तरीके से डिफरेंट जो अपने पास नॉलेज अवेलेबल थी उसको कैसे आई वॉज एबल टू अप्लाई ऑन दीज क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज्यादा एकदम रेंडम पूछ के रखे हुए थे इन्होंने। काफी कम ऐसे क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट कहीं से पूछे हुए थे इस बार, अदरवाइज बाकी सब रेंडम पूछे हुए थे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने पिछले वीडियो में कल डिस्कस कर लिया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 16 के आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो होपफुली ये आपके लिए ये वीडियोज काफी हेल्पफुल रहेंगी, राइट। हेल्पफुल रहे तो सब्सक्राइब मन करे तो कर लेना वाली, ठीक है। और अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिला होगा, वहां से ज्वाइन कर लेना। नाउ कम्स कि ये जो 16th क्वेश्चन था, ये तो देखो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ था सेंकाकू आइलैंड्स, और इसका मैंने नोट्स बना के रखे हुए थे IR के। जैसे देखो कुछ एक ऐसे आइलैंड्स हैं, अब इसके बाद क्योंकि ये ट्रेंड इसमें आ गया है कि जो डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं उनको UPSC पूछ रहा है। ये सिर्फ CSE की बात नहीं है, इस बार का जो CDS के एग्जाम हुए दोनों उसमें डिस्प्यूटेड आइलैंड्स पे क्वेश्चंस थे। तो जो ये सेंकाकू आइलैंड्स है ये बिल्कुल जापान और आपके ये चाइना के बीच में एक डिस्प्यूट था, राइट। ईस्ट चाइना सी में आपको ये सेंकाकू आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, आजकल जापान के पोजेशन में है लेकिन चाइना इसको क्लेम कर रहा है। तो ऐसे ही मैं दो तीन आइलैंड्स आपको और बताऊंगा, स्पार्टले आइलैंड हो गया, राइट, स्पार्टले आइलैंड, 9-9 हो गया, राइट, पार्सेल आइलैंड, ये सब डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं जो चाइना के साथ डिस्प्यूट में चल रहे हैं अलग अलग कंट्रीज के। और साथ में जो शखलिन एरिया हुआ और कुरिल ट्रेंच का एरिया हुआ, ये शखलिन और कुरिल ये जापान और रशिया के बीच में डिस्प्यूटेड चला हुआ है। तो इस तरीके के राइट कुछ ये आइलैंड्स है जो आपको अगले पीरियड के लिए याद रखने हैं। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था इसीलिए मैंने इसमें बी डायरेक्ट यहाँ पे मार्क कर दिया और ये एकदम सही आंसर था आपका। नेक्स्ट कम्स की हाँ, अब ये क्या है कि इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने बहुत कम अटेम्प्ट कर रखे हुए हैं कि ओनली वन पेयर, ओनली टू पेयर, ओनली थ्री पेयर, कितने इसमें करेक्टली मैच है, क्योंकि देखो इसमें एलिमिनेट कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसीलिए मैंने पहले ही इस 17th क्वेश्चन को यहां से कट कर दिया कि नहीं ये अपने से नहीं होने वाला है। वैसे मैं यहां तक इसको एलिमिनेट कर चुका था, इतना मैं यहाँ पे एलिमिनेट कर चुका था कि चार्ट सेटिंग अप ऑफ परमानेंट मिलिट्री बेस बाय चाइना, ये मैं इसे एलिमिनेट कर चुका था कि ये चार्ट नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक जिबूती है, वहां पे चाइना का एक परमानेंट मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश्ड है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जिबूती होगा, यहां तक मैं पहुंच चुका था, लेकिन इसके बाद के ये ऑप्शंस मैं एलिमिनेट नहीं कर पा रहा था, दिस इज व्हाई। और इस बार अफ्रीका कॉन्टिनेंट से बहुत क्वेश्चन पूछे हुए थे, राइट, तो मैपिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ये क्वेश्चन दिए ही इसलिए थे क्योंकि ये आपको छोड़ने थे, राइट, ये आपको छोड़ने थे, तो इसीलिए ये आपको वहां पे ऐसे ही परेशान करने के लिए दे के रखे हुए थे। नाउ कम्स 18th क्वेश्चन, देखो मैपिंग से इस बार 18 कम से कम 6-7 क्वेश्चंस पूछे हुए थे IR और मैपिंग दोनों को रिलेट करते हुए। 18th क्वेश्चन मैंने ये गलत मार्क किया हुआ है, 18th क्वेश्चन, आई नो दिस, लेकिन देखो मैं कैसे इसको एलिमिनेट कर पाया, जो कैटालोनिया एरिया है, कैटालोनिया, ये कैटालोनिया एरिया लगभग 2016-2017 में न्यूज में था, तो क्योंकि मैं उस टाइम न्यूज थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था, तो एकदम से मेरे दिमाग में यह आया कि कैटालोनिया तो स्पेन का हिस्सा है। अब क्योंकि कैटालोनिया में अलग से एक स्टेट की मांग हो रही थी वहां पे, कैटालोनिया जो स्पेन का हिस्सा है, तो मैंने कहा ये तो गलत है, कैटालोनिया तो यहाँ स्पेन से जुड़ा होना चाहिए। और फिर मैंने जो ये कैबो
डेलगेडो, ये जो इस तरीके के वर्ड है, मैं कहा ये स्पेनिश भाषा का तो नहीं लग रहा है, ये थोड़ा इटालियन लग रहा है, इसलिए मैंने ये सोच लिया था कि ये दोनों तो भाई अलग अलग इन्होंने ये करके रखे हुए हैं, राइट, ये इंटरचेंज कर रखे हुए हैं, ऊपर नीचे का इसमें सिस्टम बैठ रहा था, तो दिस इज वाई मैंने ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिए, सी और डी। बट देखो आंसर के क्लोज पहुंचने का यही तरीका है, प्री में आंसर के क्लोज पहुंचने का यही तरीका है कि आप कुछ स्मार्ट गैसेस करो जो कि प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे आधारित हो। आपको प्रीवियस ईयर का यूपीएससी के क्वेश्चंस का पैटर्न पता होना चाहिए कि यूपीएससी ऐसे फंसाता है आपको। दिस इज व्हाई आई वाज एबल टू एलिमिनेट दीज टू ऑप्शंस। लेकिन मैंने फिर भी ओनली वन पेयर यहाँ पे ये करेक्ट कर लिया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि एनाटोलिया जो प्लेट्यू है ये आपके टर्की का हिस्सा है, क्योंकि मुझे लगता था कि ये थोड़ा वेस्ट में है एनाटोलिया प्लेट्यू। आई वॉज नॉट एग्जैक्टली एबल टू कॉम्प्रीहेंड इट। तो एक्चुअली इसका ओनली टू पेयर्स होना था, बट वन एंड टू ये चलो ठीक है, मतलब ये मैंने गलत उसमें मार्क किया और उसमें उतना थॉट प्रोसेस आपका चल भी नहीं सकता था। ट्रिक्स जो यूज होनी है वो हम अभी अगले क्वेश्चन में देखेंगे। जैसे ये 19th क्वेश्चन, अगेन ये क्वेश्चन मैंने गलत अटेम्प्ट किया, लेकिन थॉट प्रोसेस क्या रहा मेरा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के पीछे का, कि किस तरीके से मैंने, देखो मैं आंसर के सबसे क्लोज कैसे पहुंचा इसमें। देखो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 19th को पढ़ के ऑप्शंस को देखा सबसे पहले, और मैंने फिर से वही ट्रिक जो मैंने आपको कल बताई थी कि जब ऐसे ऑप्शन दिए हो तो इसमें कम से कम एक स्टेटमेंट आपकी गलत होगी ही, इतना कंफर्म हो जाना है। तो अब आपको सही स्टेटमेंट को नहीं ढूंढना है, अब आपको गलत स्टेटमेंट के पीछे पढ़ना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत हो सकती है। तो इसमें देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा हुआ है कि वाइल्ड एनिमल्स आर सोल प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट। मुझे इसमें थोड़ी क्या है कि मुझे इसमें थोड़ा डाउट था कि प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट, कि एनिमल को अगर प्रॉपर्टी के तौर पे कंसीडर किया जाएगा तो गवर्नमेंट तो उनको किसी भी तरीके से यूज कर लेगी, राइट, गवर्नमेंट उनको किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट करेगी और उसके, ये तो गवर्नमेंट के एकदम लिबर्टी बन जाएगी। तो ये सोच के मैंने एलिमिनेट कर दिया ऑप्शन नंबर 1 को, हालांकि मैंने ये गलत एलिमिनेट किया। ये भी जानना जरूरी है कि आप क्या थॉट प्रोसेस आपको नहीं लाना है एग्जाम में, राइट, मैंने ये थॉट प्रोसेस लाया इसलिए मेरा ये गलत हुआ, और अगली बार वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पे ठीक से रिसर्च करके जाना, क्योंकि हर साल इसमें क्वेश्चन बनते हैं, हर साल क्वेश्चन आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से, राइट, जो आपका एक आपका जो ट्राइबल राइट्स पे जो भी एक्ट होते हैं, जैसे पीसा एक्ट हो गया, राइट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हो गया 2006 का, इन एक्ट्स पे, इन तीन एक्ट्स पे एक ना एक क्वेश्चन हर साल आता है, तो इस पे अच्छे से रिसर्च करके जाना। लेकिन मैंने ये स्टेटमेंट नंबर 1 गलत एलिमिनेट की इसमें, और सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा था कि व्हेन अ वाइल्ड एनिमल इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड सच एनिमल इज एंटाइटल्ड फॉर इक्वल प्रोटेक्शन वेदर इट इज फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरिया और आउटसाइड। ये मुझे थोड़ा जनरल सा लग रहा था कि हाँ बन सकती है इसकी बात, तो मैंने इसे स्टैंड बाय मोड में रखा। नेक्स्ट आता है कि एप्रीहेंशन ऑफ प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल, याद रखो एप्रीहेंशन ऑफ प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल बिकमिंग ए डेंजर टू ह्यूमन लाइफ इज सफिशियंट ग्राउंड फॉर इट्स कैप्चर और किलिंग। कि भाई एप्रीहेंशन का मतलब क्या हुआ, कि सिर्फ संभावना जता देना कि कोई भी वाइल्ड एनिमल अगर संभावना है कि वो वाइल्ड एनिमल ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजर बन सकता है तो उसे किल करने की इजाजत दे दी जाएगी, सिर्फ संभावना मात्र से। ये एकदम मैंने एलिमिनेट कर दिया एप्रीहेंशन वर्ड को। यहां देखो मैंने मार्क करके रखा हुआ है कि यूबीएससी ऐसे ही वर्ड प्ले करती है, एप्रीहेंशन नहीं, एक्चुअली आपको इसे वर्मिन पहले घोषित करना होगा, वर्मिन की एज ए वर्मिन इसे बाय नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को इसे डिक्लेयर करना होगा, तभी आप किल कर सकते हैं किसी भी एनिमल को। अदरवाइज तो भाई कोई भी एप्रीहेंशन तो कोई भी कर सकता है, आशंका तो कोई भी जता सकता है, कोई आदमी जाके बंदूक से मार देगा तब किसी भी वाइल्ड एनिमल को, शेर को जाके मार देगा, राइट, सेंचुरी में जाके अंदर घुस के कि ये तो मेरी लाइफ के लिए डेंजर बन चुका था। नो, यू हैव टू डिक्लेयर दैट एनिमल, वाइल्ड एनिमल एज ए वर्मिन बिफोर अलाउइंग अदर्स टू किल
दैट वाइल्ड एनिमल। तो इसलिए मैंने स्टेटमेंट थ्री को इस तरीके से एलिमिनेट किया, क्योंकि मुझे पता था इसमें से एक स्टेटमेंट तो गलत होगी ही। तो इस तरीके से मैं अपने आंसर के बहुत नियरेस्ट पहुंचा, हालांकि मैंने बी मार्क किया, गलत किया। इसमें मैंने आंसर, सही आंसर इसका ए होना था, राइट। दिस वॉज माई थॉट प्रोसेस। नेक्स्ट आता है कि ये अगेन ये डायरेक्ट मेरे अपने नोट्स से आया हुआ था, मैंने जो नोट्स बना के रखे हुए थे, क्योंकि मैंने ये कहीं पे पढ़ा था डाउन टू अर्थ में, आई थिंक एक परमा कल्चर पे एक वीडियो थी, एक ही उस वीडियो से जो मैंने डाउन टू अर्थ के यूट्यूब चैनल पे देखा था, उससे तीन क्वेश्चंस 2021 और 2022 के प्रीलिम्स में अपीयर हो चुके हैं। एक याद रखना, 2021 पे परमा कल्चर पे क्वेश्चन आया हुआ था, और 2021 में ही एक लेमन ग्रास पे क्वेश्चन आया हुआ था, वो लेमन ग्रास उस वीडियो में डिस्कस हुआ था 2021 में, और उसी वीडियो में सॉइल माइक्रोबायोलॉजी की बात भी हुई थी, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी की बात भी हुई थी, और उसमें ये बात बताई गई थी कि जो आंट्स होती है, जो आपकी चींटियां होती है, इनका जो एक्सक्रीटा होता है उसमें आपके काफी ज्यादा मिनरल्स, वो काफी मिनरल रिच होता है, राइट। और उसमें फंगस उसमें ग्रो कर जाती है आंट के एक्सक्रीटा में, इसीलिए इन्हें फंजाई कल्टीवेटर कहा जाता है। और ये मेरा एकदम करेक्ट ही आंसर हुआ, क्योंकि मुझे एकदम से दिमाग में ये स्ट्राइक कर गया कि आंट इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट कम्स कि इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल्स इंफॉर्मेशन ऑन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ये एक क्वालिटी क्वेश्चन था, कि भैया जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो इंडिया में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसे कंपाइल करेगी। और इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोगों ने रॉन्ग आंसर कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि सेंट्रल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस। मैंने इसमें लेबर ब्यूरो मार्क किया और एकदम सही मार्क किया। व्हाई? क्योंकि देखो, इस क्वेश्चन में मेरा थॉट प्रोसेस क्या रहा कि यार CSO तो बहुत मतलब एक जनरल सी ऑर्गेनाइजेशन है, ये सिर्फ स्टेटिस्टिक्स इकट्ठा करती है, और काफी जनरल स्टेटिस्टिक्स इकट्ठा करती है, आपकी ट्रेड से रिलेटेड हो गया, राइट, आपके GDP से रिलेटेड हो गया स्टेट्स, है ना। तो ये, लेकिन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज ए स्पेशलाइज्ड इशू, और ये कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐसे डिस्प्यूट्स हैं जिनका रिजॉल्व होना बहुत जरूरी है, राइट। और ये स्पेशलाइज्ड, ये राइट की बात आ गई है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स सिर्फ डाटा की बात नहीं हो रही है, ये इंडस्ट्रियल वर्कर्स के राइट्स की बात आ गई है। इट मींस इसके लिए कोई ना कोई स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन होना बहुत जरूरी है। मुझे कंफ्यूजन इसी में थी, लेबर ब्यूरो या CSO में। ये बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो मजाक के लिए दिया हुआ था, आपकी कॉमन सेंस चेक करने के लिए, कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। बिल्कुल नहीं, इंटरनल ट्रेड के प्रमोशन के लिए अगर कोई डिपार्टमेंट बना है, वो डिस्प्यूट थोड़ी ना हैंडल करेगा, वो तो उसे प्रमोट करने की कोशिश करेगा। वो डिपार्टमेंट तो हमेशा ये कोशिश करेगा कि आपकी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए जो लेबर लॉज है उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा लैक्स बनाया जाए, तभी तो इंडस्ट्री प्रमोट होगी, इंटरनल ट्रेड तभी प्रमोट होगा। तो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को हियर करने का सही प्लेटफॉर्म कोई डिपार्टमेंट तो नहीं हो सकता है, राइट। तो इसीलिए मैंने इसे एलिमिनेट कर दिया वहां से। एंड नेशनल टेक्निकल मैन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये क्योंकि मैंने सुना भी नहीं था, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत, मैं कहा इतना बुरी बात तो ये UPSC नहीं पूछेगा, कहीं ना कहीं कुछ कॉमन सेंस से रिलेटेड ये पूछ रहा है। देन आई मार्क्ड लेबर ब्यूरो, और ये एकदम सही था, मुझे नहीं पता ये तुक्का मैंने मार्क किया, बट दिस वॉज माई थॉट प्रोसेस उस टाइम, जो आपको आगे हेल्प कर सकता है, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन ही ऐसे ही पूछ रहा है, अब इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है वो। नेक्स्ट कम्स की कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में है, ये अगेन मैंने रॉन्ग इसको मार्क किया हुआ है, इस क्वेश्चन को, कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन इसमें मेरा जो थॉट प्रोसेस था वो कुछ ऐसा था कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इट एंश्योर्स दैट कोल माइनिंग कंपनी डिलीवर्स द कोल टू द एंड यूजर्स इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम। सबसे पहले मैंने ये स्टेटमेंट चार को इसमें एलिमिनेट कर दिया था, ये स्टेटमेंट चार को मैंने सबसे पहले इसमें एलिमिनेट किया कि जो कोल माइनिंग कंपनीज है उनको कोल की डिलीवरी देना कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन का काम थोड़ी ना होगा,
राइट, कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन इस नाम से ही लगता है कि ये कम से कम कुछ ऐसा जैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इंडिया का होता है, जो कि ये देखेगा कि काम सब सब ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये इंश्योर करना कि कोल की डिलीवरी हो जाए, ये बात इसमें सही नहीं लग रही है, क्योंकि रेगुलेटर कभी भी ये इंश्योर नहीं करेगा कि डिलीवरी सही हो जाए। राइट, रेगुलेटर हमेशा ये देखेगा कि कहीं कुछ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, कुछ डिस्प्यूट्स के बारे में देखेगा। तो इसीलिए मैंने ऑप्शन नंबर 4 को सबसे पहले एलिमिनेट किया, लेकिन इसका राइट आंसर ए था। आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने इस आंसर को मैंने किस तरीके से एलिमिनेट किया था। ये जो आपका थर्ड ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कि इट बियर्स एनी ऑब्जेक्शन टू गवर्नमेंट्स नोटिफिकेशन रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ कोल बियरिंग एरियाज, एक्चुअल में इसका ये काम होता है, बट आई एलिमिनेटेड दिस ऑल्सो उस टाइम कि यार कोई ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही है, दिस वॉज माई थॉट प्रोसेस, कि जो अंडर काम कर रही है गवर्नमेंट के, वो गवर्नमेंट के खिलाफ ही कोई ऑब्जेक्शन को रिसीव करेगी, ये तो बात कुछ सही नहीं बैठ रही है। दिस इज वाई आई एलिमिनेटेड दिस ऑप्शन ऑल्सो, बट इट वॉज ए राइट ऑप्शन। तो अपना आंसर ए होना था, बट आई मार्क सी एट दैट टाइम, लेकिन आंसर के काफी क्लोज मैं इसमें पहुंच गया था। नेक्स्ट कम्स कि इफ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर फिफ्थ स्केड्यूल, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था आपके पीवाईक्यू से, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2019 का क्वेश्चन उठा के देखना क्वेश्चन पेपर, उसमें ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आपके जो फिफ्थ स्केड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट, एक्चुअली उसमें ये डिस्क्रिप्शन देके रखी हुई थी कि दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल। उसमें डिस्क्रिप्शन देके रखी हुई थी कि ट्राइबल लैंड को नॉन ट्राइबल पीपल को ट्रांसफर करना ये किस स्केड्यूल के अंडर बैन किया गया है, तो ये फिफ्थ स्केड्यूल है, ये पीवाईक्यू से डायरेक्ट वहां पे लिया गया था। बट फिर भी देखो, ये जो यहाँ पे बात कही हुई है कि इट वुड कन्वर्ट दैट एरिया इनटू अ यूनियन टेरिटरी, अगर किसी को भी पता है, किसी ने भी थोड़ी सी भी पॉलिटी पढ़ी है, तो फिफ्थ एंड सिक्स्थ स्केड्यूल जो है वो ट्राइबल चीजों से रिलेटेड है, तो इस ऑप्शन को तो पहले ही एलिमिनेट कर सकते थे। एंड स्टेट हैविंग सच एरिया वुड बी डिक्लेयर्ड एज स्पेशल कैटेगरी स्टेट, ये भी बात नहीं बनती है, क्योंकि जो फिफ्थ स्केड्यूल है उसमें ऐसे कोई प्रोविजन है ही नहीं, राइट, कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किसी को दिया जाएगा। एक्चुअल में ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, ये आपके आर्टिकल 371 जो आर्टिकल है उसके अलग अलग सब आर्टिकल्स हैं, जैसे 371 हो गया, 371 ए बी सी डी ई एफ जी एच जो मेघालय को मिला हुआ है, तो ये कुछ ऐसे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ये आपको आर्टिकल 371 के अंडर मिलता है, इसमें इसका कोई जिक्र नहीं है, राइट, फिफ्थ स्केड्यूल में। एंड ये ऑप्शन भी कहता है कि दिस वुड क्रिएट अ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन दैट एरिया, अगर किसी ने भी थोड़ा सा भी पढ़ा होगा कि अगर आपको ट्राइबल एरियाज में फिफ्थ स्केड्यूल के एरियाज में अगर आपको सेल्फ गवर्निंग बॉडीज क्रिएट करनी है, तो आपको उसमें पीसा एक्ट लाना होगा, पंचायत एक्सटेंशन ऑफ पंचायत टू स्केड्यूल एरिया एक्ट, जो आपका पीसा एक्ट है 1996, उस एक्ट के तहत सेपरेटली यहाँ पे सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस क्रिएट होती है, तो डायरेक्टली फिफ्थ स्केड्यूल का इसमें कोई रोल नहीं है, अलग से पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया हुआ है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें, राइट, और ये डिस्क्रिप्शन जो है ये सिक्स्थ स्केड्यूल के बारे में सही है, फिफ्थ के बारे में ये सही नहीं है, क्योंकि ऑटोनोमस जो आपके ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट होते हैं वो सिक्स्थ स्केड्यूल के तहत बनते हैं। फिफ्थ स्केड्यूल के अंडर जो बात कही गई है वो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के बारे में बात की गई है, राइट, 30 मेंबर्स की एक काउंसिल होगी, 20 या 30 मेंबर्स की, वो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल की बात हुई है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात नहीं हुई है, राइट, ये बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हमने स्टैटिक इसमें कवर कर दिया इसी में। नेक्स्ट कम्स की यस, यहां पे मैंने एकदम तुक्का मारा, तुक्का भी नहीं, एकदम लॉजिक का यूज करके ये मैंने यहाँ पे कोशिश की इसको अटेम्प्ट करने की, एंड आई अटेम्प्टेड इट राइटली। इसमें देखो दो स्टेटमेंट्स बहुत ट्रिकी दी हुई थी कि इंडिया सैनिटेशन कोएलिशन, ये देखो मैंने तभी इसे गोले से मार्क कर रखा हुआ है, कोएलिशन की बात हो रही है कि इंडिया सैनिटेशन कोएलिशन इज अ प्लेटफॉर्म टू प्रमोट सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड इज फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना, जब भी आपने कोई ऐसे कोएलिशन पढ़े होंगे, जैसे आपके इंटरनेशनल कोएलिशन हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल
राइट, देर आर मेनी अलायंसेज जो कि आपकी ग्रीन इकोनॉमी को प्रमोट करते हैं, राइट. तो ये जो कोएलिशन वर्ड हुआ या अलायंस वर्ड हुआ, जब भी इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में या जब भी आपके एनवायरमेंट के रिस्पेक्ट में कोएलिशन या अलायंस की बात हो रही है, याद रखना मोस्ट प्रोबेबली उसमें प्राइवेट एजेंसीज इन्वॉल्व होगी, तभी उसका नाम कोएलिशन है. अदरवाइज सरकार यूजुअली जो नाम रखती है वो या तो ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम रखेगी, फॉर एग्जांपल जैसे कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, राइट, या उसका नाम कुछ एजेंसी से रख देगी, राइट, या उसका नाम कुछ ट्राइब्यूनल करके इस तरीके से रख देगी. तो ये जो कोएलिशन या अलायंस करके ये जो नाम इस तरीके से रखे होते हैं, यूजुअली ये प्राइवेट एजेंसीज के बने होते हैं कोएलिशंस, राइट. तो ये बात आपने इसमें याद रखना है. इसीलिए मैंने स्टेटमेंट वन को रिस्क लेकर के पहले एलिमिनेट कर दिया, और सेकंड स्टेटमेंट बहुत जनरल थी, ये कोई भी इसको अटेम्प्ट कर सकता था कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स इज द एपेक्स बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्रोवाइड्स इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू एड्रेस द चैलेंज ऑफ अर्बन इंडिया. तो ये एकदम जनरल सी स्टेटमेंट लग रही थी कि हाँ ये सही हो सकती है, क्योंकि ऐसा एक अगर इंस्टीट्यूट है नेशनल लेवल का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, तो मोस्ट प्रोबेबली इस तरीके के नेशनल इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट के ही होते हैं, और क्योंकि अर्बन अफेयर्स से डील करता है तो मोस्ट प्रोबेबली ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स के अंडर ही आएगी. इसीलिए आई मार्क्ड इट करेक्टली, बी मेरा ऑप्शन था. दिस वॉज माई थॉट प्रोसेस. नेक्स्ट कम्स एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. स्टैट्यूट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए थे, जैसे मैंने अभी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बताया पीछे, इस बार एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से भी पूछा हुआ था कि इनमें से कौन सी बॉडीज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनाई गई है. ये डायरेक्ट क्वेश्चन था. मेरे नोट्स में भी ये एकदम कंपाइल्ड था, तो मैंने सी इसमें बिना कुछ सोचे समझे मार्क कर दिया, क्योंकि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी जो है ये आपके एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से बनी हुई है. याद रखना एक और बॉडी है सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपके वाटर एक्ट के तहत बनी है. सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपके वाटर एक्ट के तहत बनी है सीपीसीबी, और आपका जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है ये आपके एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनी हुई है. याद रखना है ये थोड़ा इंटरचेंजिंग सा आपको लग सकता है. आपको लग सकता है कि सीपीसीबी तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनना चाहिए, राइट, बट ये इस तरीके का है सर. बात आपको समझ आ गई. अब ये सेंट्रल वाटर कमीशन और सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, ये तो दोनों चीजें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी हुई है. एंड नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी वाटरवेज डेवलपमेंट एजेंसी है एक्चुअल में, इसका नावडा इसका नाम है, राइट, नेशनल वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी, आई थिंक दिस इज द नेम. ये आपकी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी बनी हुई है, लेकिन इसको जो रजिस्टर किया गया है ये सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर हुई है, इतना मुझे उस टाइम पता था. दिस इज व्हाई आई एलिमिनेटेड ऑल दीज थ्री, और डायरेक्टली मैंने इसमें सी ऑप्शन इसमें मार्क कर दिया, राइट, एंड इट वॉज ए राइट आंसर. नेक्स्ट कहता है कि विद रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल्स कमेटी कंसिडर द फॉलोइंग. अब ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा हुआ था क्रेडेंशियल कमेटी पे, और मैं इसमें कंफ्यूज हो गया कि इट असेसेस द क्रेडेंशियल्स ऑफ ऑल यूएन मेंबर्स बिफोर सबमिटिंग द रिपोर्ट टू जनरल असेंबली फॉर अप्रूवल. तो मैं इस स्टेटमेंट में इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि क्या ये इस तरीके के क्रेडेंशियल्स को इसमें मतलब इवेल्युएट कर सकती है नहीं कर सकती है, और ऑप्शन को देख के लग नहीं रहा था कि ये तीनों स्टेटमेंट सही है. सो आई वॉज अनेबल टू फाइंड आउट कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें गलत है. याद रखना यूपीएससी के एग्जाम में आपको सही स्टेटमेंट्स कभी राइट आंसर तक नहीं पहुंचाएगी. आपको ढूंढना है कि स्टेटमेंट गलत कौन सी है इसमें, राइट, गलत कौन सी, और इंट्यूशन का यूज करना है उस स्टेटमेंट को ढूंढने के लिए. नेक्स्ट आता है कि पोलर कोड. अगेन ये मैंने गलत मार्क किया पोलर कोड, बट फिर भी थॉट प्रोसेस इसमें मेरा ये था कि रिसेंटली क्या है कि इंडिया में एक आर्कटिक बिल लाया गया था, तो मैंने एकदम से रिलेट करके देख लिया कि कुछ ना कुछ पोलर कोड में ऐसा होगा जो आर्कटिक बिल की शर्तों से मैच करे, राइट, आर्कटिक बिल की शर्तों से मैच करे, इसीलिए यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा होगा. दिस वॉज माई थॉट प्रोसेस एट दैट टाइम. तो आर्कटिक बिल में इंडिया का जो आर्कटिक बिल है उसमें ये सारी बातें लिखी हुई थी कि एक सेट प्रोसीजर ऑफ नॉर्म्स उसमें बताया हुआ था कि कंट्रीज हुज साइंटिस्ट अंडरटेक रिसर्च स्टडीज इन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उसके लिए कुछ नॉर्म्स बताई हुई है इंडिया के आर्कटिक बिल में. उसको एक बार ध्यान से देख लेना, अगले साल के लिए प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आर्कटिक एंड अंटार्कटिका दे आर गोइंग टू बी द
एरियाज ऑफ हाई इंटरेस्ट फॉर यूपीएससी फॉर नेक्स्ट 2, 3, 4, 5, 10, 20 ईयर्स, राइट, ये हमेशा रेलिवेंट रहने वाला है. तो दिस इज वाई आई मार्क्ड सी ऑप्शन, लेकिन ये गलत था. एक्चुअल में जो ये पोलर कोड करके ये जो टर्म उन्होंने दिए, ये एक 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 मिशन गया था 2020 का, ये मिशन है, राइट. एक क्या है कि एक बहुत सारी कंट्रीज का एक कोलिशन था और उनकी एक शिप गई, रिसर्च वेसल गया आर्कटिक में, राइट. आई थिंक उस मिशन का नाम ये मैं मिशन का नाम बोल रहा हूं, अगर किसी को याद आए तो वो इसमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि कौन सी थी. तो एक शिप भेजी हुई थी, इतना मुझे उस टाइम याद आया था कि ये उससे भी रिलेटेड हो सकता है पोलर कोड. तो ये आई थिंक उससे रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है, पोलर कोड, जो वो इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर शिप्स ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर्स, राइट. सो दिस वॉज द राइट आंसर. और इन्हें तो मैंने एकदम से एलिमिनेट इसीलिए कर दिया, जैसे ऑप्शन डी, इट इज अ ट्रेड एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट ऑफ द मेंबर्स कंट्रीज ऑफ आर्कटिक काउंसिल. मतलब आर्कटिक कोड इतना भी कंस्ट्रेंड नहीं होगा, इतना नैरो नहीं होगा कि ये सिर्फ आर्कटिक काउंसिल के मेंबर्स तक लिमिटेड रहे. दिस इज वाई आई एलिमिनेटेड दिस ऑप्शन ऑल्सो. एंड इट इज एन एग्रीमेंट ऑफ कंट्रीज अराउंड नॉर्थ पोल रिगार्डिंग द डीमार्केशन ऑफ देयर टेरिटरीज इन द पोलर रीजन. ये बिल्कुल एकदम झूठ बात कह रहे हैं ये भाई साहब, क्योंकि जो पोलर रीजन हैं उनकी जो टेरिटरीज है वो डीमार्केट नहीं हुई है. इट इज अ ग्लोबल गुड एज ऑफ नाउ, इवन एज ऑफ नाउ अंटार्कटिका पे कोई कंट्री, एक कंट्री क्लेम नहीं कर सकती है, इसीलिए आर्कटिक ट्रीटी बनी हुई है, वो इसीलिए बनी हुई थी, राइट. तो ये रिसर्च के लिए आर्कटिक और अंटार्कटिका ओपन है, लेकिन किसी कंपनी की सॉवरेनिटी, किसी कंट्री की सॉवरेनिटी इस पे नहीं है, ये बात आपने याद रखनी है. विद रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट. जनरल असेंबली के बारे में पूछा हुआ है इसमें, तो इसमें मैंने ये करेक्ट मार्क किया, डी ऑप्शन था अपना, कि UN जनरल असेंबली कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस टू द नॉन मेंबर स्टेट्स. देखो इसमें, इस क्वेश्चन में मेरी जो भी ऐसे, मतलब अरे परे आप कोई भी बातें सुनते हो उसका यूज यूपीएससी के क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा होता है, प्री के क्वेश्चंस में, मेंस के क्वेश्चंस में उसका यूज बहुत होता है, जो आपकी मतलब जनरल सी अंडरस्टैंडिंग होती है, कहीं पे आपने कोई स्पीच सुन ले किसी की, राइट, किसी आदमी की, उसे ध्यान से सुना करो, इन्फ्लुएंशियल लोगों की. तो जैसे ये स्टेटमेंट वन है कि ये ऑब्जर्वर स्टेटस किसी भी नॉन मेंबर स्टेट को दे सकता है, ये बात सही है, क्योंकि कोई भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी, फॉर एग्जांपल जैसे आसियान हो गया, आसियान भी तो ऑब्जर्वर स्टेटस देता है, राइट, आसियान भी ऑब्जर्वर स्टेटस देता है, इंडिया को मिला हुआ है. तो ऐसे ही यूएन जनरल असेंबली, क्योंकि सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की, तो इसके पास इतनी अथॉरिटी तो होगी कि ऑब्जर्वर स्टेटस किसी नॉन मेंबर स्टेट को दे दे. नाउ कम्स कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस कैन आल्सो सीक द ऑब्जर्वर स्टेटस इन यूएन जनरल असेंबली. फॉर एग्जांपल जैसे यूएनएफसीसी हो गया, राइट, ये तो खैर यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है. जैसे आईपीसीसी हो गया, आईपीसीसी, राइट, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये हो गया आपके इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. क्या इन्हें ऑब्जर्वर स्टेटस मिल सकता है? इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूजन में आ गया, लेकिन मुझे एकदम से बात याद आई कि BAPS नाम की एक संस्था है. देखो BAPS, ये क्या है कि ये मंदिर वगैरह बनाती है और एकदम अच्छा ये धर्म का काम करती है, राइट. तो आपने हो सकता है BAPS के एक दो संत हैं, यूट्यूब चैनल इनका देखना, काफी अच्छा काम कर रहे हैं. जो अभी UAE में, दुबई में जो अभी रिसेंटली एक मंदिर बना हुआ है, पहला मंदिर, हिंदू टेम्पल, वो BAPS ने ही बनाया था. तो BAPS के एक संत थे, मैंने उनका लेक्चर सुना हुआ था और उन्होंने बताया था कि BAPS को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है और एक परमानेंट ऑफिस मिला हुआ है यूएन जनरल असेंबली में. तो अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को, इस तरीके एनजीओ को मिल सकता है, तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को तो मिलेगा ही, राइट. तो इसीलिए मैंने सेकंड स्टेटमेंट को भी मार्क कर दिया और थर्ड तो करेक्ट होना ही था, क्योंकि मुझे पता था कि यूएन हेडक्वार्टर में अगर BAPS को ऑफिस मिल सकता है तो किसी भी दूसरे परमानेंट ऑब्जर्वर को मिलेगा, राइट. दिस इज वाई ये सारे मतलब इधर उधर की नॉलेज भी इसमें अप्लाई होती है. यूपीएससी के क्वेश्चन में इतनी अनसर्टेनिटी होती है कि ये कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ये एक क्वालिटी क्वेश्चन था एंड आई मार्क्ड इट करेक्टली. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये गलत मार्क किया हुआ था, मेरे एग्जाम सेंटर में भी उन्हें कंफ्यूजन था और लास्ट में आते आते मैं कंफ्यूज हो गया. लेकिन ये टी बोर्ड वाला मेरा ये सही था. इसमें थॉट प्रोसेस मेरा क्या रहा कि द टी बोर्ड इज ए स्टेचुटरी बॉडी,
इतना मुझे मालूम था कि मैक्सिमम जो ये बोर्ड्स हैं, मैंने कॉफी बोर्ड के बारे में पढ़ के रखा हुआ था, मुझे मालूम था कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। कॉटन कमीशन ऑफ इंडिया एक इसी तरीके का कॉटन के ट्रेड को प्रमोट करने वाला एक बॉडी है, कॉटन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, राइट। कुछ ऐसी जैसे एग्रीकल्चर के प्रमोशन के लिए आपके कई ऑर्गेनाइजेशन होगी, राइट, ये सारी स्टेट्यूटरी बॉडीज बनी हुई है। मैंने कहा टी बोर्ड भी हो सकता है कि स्टेट्यूटरी बॉडी हो, क्योंकि अगर कॉफी बोर्ड स्टेट्यूटरी बॉडी होगी तो टी बोर्ड भी स्टेट्यूटरी होनी चाहिए, राइट। तो यूजुअली ये सही होता है, इस तरीके के जो भी अगर आपको बोर्ड कहीं पे भी दिखे तो यूजुअली वो बोर्ड्स या फिर वो कमीशंस सिवाय आपके जो CACP है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, सिवाय CACP के मोस्टली बाकी सारे कमीशंस और मोस्टली बाकी सारे बोर्ड्स ये स्टेट्यूटरी बॉडीज होती है, राइट। सेंट्रल वाटर कमीशन भी स्टेट्यूटरी नहीं है, एक तो इसमें एक्सेप्शन है, बट यूजुअली मोस्ट ऑफ द कमीशंस एंड बोर्ड्स दे आर स्टेट्यूटरी बॉडी, ये बात याद रखना। तो कुछ ना अगर आपको पता चले तो इस बात को वहां पे अप्लाई कर लेना। नेक्स्ट कम्स कि इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी अटैच्ड टू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इसे तो मैंने एकदम से एलिमिनेट कर दिया, क्यों? क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर टी बोर्ड बना हुआ है तो ये टी के ट्रेड को प्रमोट करने के लिए है, राइट, ये टी के ट्रेड को प्रमोट करने के लिए है। और टी का अगर ट्रेड, अब फॉर एग्जांपल अगर कॉटन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल कॉटन ट्रेड को प्रमोट करना है, अगर जो आपके एग्रीकल्चर फेडरेशन डेवलपमेंट के लिए जो मतलब एक फेडरेशन बनी हुई है, अगर उसका काम एग्रीकल्चर के ट्रेड को प्रमोट करना है तो टी बोर्ड का काम भी तो टी के ट्रेड को प्रमोट करना होना चाहिए, टी के ट्रेड को प्रमोट करना होना चाहिए। अब ट्रेड से जुड़ी कोई बॉडी एग्रीकल्चर के अंडर तो नहीं आएगी, ये तो DPIIT के अंडर होनी चाहिए। दिस वॉज माई थॉट प्रोसेस और आई एलिमिनेटेड दिस आंसर, दिस ऑप्शन। तो इस करके मैंने ये वाला ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट कर दिया। थर्ड आता है कि टी बोर्ड हैज हेड ऑफिस इन सिचुएटेड इन बेंगलुरु, इसे मैंने अभी स्टैंड बाय मोड में रखा कि हो सकता है ये सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पढ़ा कि द बोर्ड हैज ओवरसीज ऑफिसेज एट दुबई एंड मॉस्को। मैंने इसमें दो चीजें सोची उस टाइम कि यार बोर्ड के पास हो सकता है इसके ऑफिस ओवरसीज भी हो, क्योंकि इसे ट्रेड आखिरकार प्रमोट कहां करना है, डोमेस्टिक प्रमोट करना है क्या? नहीं, एक्सपोर्ट भी तो इसे करवाना है। और इंडिया की जो मैक्सिमम टी एक्सपोर्ट होती है वो कहां होती है? या तो गल्फ रीजन में होगी आपकी, या फिर ये रशिया वगैरह हो गया, वेस्टर्न यूरोप हो गया, इंडिया की टी सबसे ज्यादा यहाँ पे एक्सपोर्ट होती है। एंड प्रोबेबिलिटी है कि आपकी जो टी बोर्ड का जो ओवरसीज ऑफिसेज है वो इन जगह हो सकता है भाई। और UPSC इतना भी मूर्ख नहीं है कि वो एक्सपेक्ट करे हर एक स्टूडेंट से कि उसे ये तक पता हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के ओवरसीज ऑफिसेज कहाँ है, राइट, इतनी मूर्ख तो नहीं है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है उन्होंने ये करेक्ट ही डाली होगी। दिस वॉज माई थॉट प्रोसेस एट दैट टाइम। और ये क्योंकि बहुत स्पेसिफिक पूछा हुआ है कि ये क्या बेंगलुरु में है टी बोर्ड का जो हेड ऑफिस, तो आई थॉट कि ज्यादा चांसेस है कि इस स्टेटमेंट के गलत होने के ज्यादा चांसेस है। दिस इज वाई मैंने इन दोनों को ये 3 और 2 वाले एलिमिनेट कर दिए, डी ऑप्शन मार्क कर दिया, एंड लकीली मेरा आंसर इसमें सही रहा। दिस वॉज माई थॉट प्रोसेस, और आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, बट क्योंकि इस थॉट प्रोसेस से मेरे आंसर तो सही हो रहे हैं तो मेरे लिए ये सही है थॉट प्रोसेस। अगेन ये डायरेक्टली मेरे नोट्स से आया हुआ था, ग्रीन वॉशिंग मैंने एक दिन पहले ही पढ़ के रखा हुआ था, जैसे ग्रीन वॉशिंग हो गया, राइट, ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो उस टाइम न्यूज में चल रही थी NFTs के बारे में, NFT पे भी क्वेश्चन आया हुआ था, दैट वॉज डायरेक्टली मैंने जिस तरीके से नोट्स बनाए हुए थे एग्जैक्टली उस तरीके से इसमें क्वेश्चन आया हुआ था। तो ग्रीन वॉशिंग क्या होती है कि अब देखो आजकल क्या चला हुआ है कि मार्केट में ट्रेंड चला हुआ है कि कंज्यूमर्स यूजुअली पहले देखते हैं कि ये कंपनी के प्रोडक्ट ग्रीन प्रोडक्ट है या नहीं है, मतलब एमिशन ज्यादा तो नहीं कर रही है ये कंपनी इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अगर वो ग्रीन प्रोडक्ट है तो कंज्यूमर हाई प्राइसेस पे करने के लिए भी रेडी है। बट कंपनीज इसका गलत फायदा उठा रही है इस ट्रेंड का, क्यों? क्योंकि वो फॉल्स क्लेम कर रही है कि हाँ हमारा ग्रीन प्रोडक्ट है, लेकिन वो ग्रीन प्रोडक्ट नहीं होता है, वो एमिशंस बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें प्रोडक्ट प्रॉफिट ज्यादा चाहिए इसलिए वो क्लेम कर रहे हैं कि हमारा ग्रीन प्रॉफिट है। दिस इज नोन एज ग्रीन वॉशिंग। ये मुझे एक और चीज से याद आया, क्योंकि मुझे इसमें बहुत कंफ्यूजन था, इन ऑप्शंस में भी मुझे बहुत कंफ्यूजन था, मुझे एक चीज और याद आई इसमें ग्रीन वॉशिंग से, ब्रेन वॉशिंग उस टाइम, और उसके बाद मेरा ये कंफर्म हो गया कि ब्रेन वॉशिंग का काम ही क्या होता है।
झूठ मूठ बोल के कुछ भी करके किसी तरीके से फंसा देना किसी को, दूसरे आदमी को. दिस इज वाई ग्रीन वॉशिंग को मैंने इसी से रिलेट किया एंड कॉन्फिडेंटली आई मैंने ये ए ऑप्शन को मार्क किया एंड इट वॉज द राइट आंसर. नेक्स्ट कम्स की यस, ये एक क्वालिटी क्वेश्चन था यूपीएससी का, राइट. यहाँ पे वीडियो काफी लंबी होती जा रही है, राइट. आई थिंक हमें ये वाली वीडियो रोक देनी चाहिए इधर, काफी लंबी होगी ये, 40 मिनट की होगी आई थिंक. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल इसके आगे का हम डिस्कस करेंगे. अगर आपके लिए ये ट्रिक्स, ये थॉट प्रोसेस कि हमें सोचना कैसे एग्जाम हॉल में, राइट, अगर आपके लिए ये हेल्पफुल हो रहा है तो गाइज प्लीज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन और वो जो घंटे का बटन है बगल में वो भी दबा देना भाई. अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. और अगर किसी को साइंस एंड टेक में, इंपॉर्टेंटली अगर बायोलॉजी, साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट में अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है, आई थिंक मैंने काफी अच्छे से ये चीजें कवर की हुई है और इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है. एनसीईआरटी भी मैंने कवर की हुई है और उसमें काफी एक्स्ट्रा बाकी चीजें भी मैंने इसमें ऐड करके रखी हुई है. एथिक्स में किसी को दिक्कत आ रही है, इस बार एथिक्स जहर था भाई, यूपीएससी मेंस में इस बार एथिक्स जहर पूछा हुआ था, बट उनमें बहुत सारी चीजें उन चीजों से आई हुई थी जो मैंने, जिसके लेक्चर्स मैंने एथिक्स के लिए हुए थे, राइट. एथिक्स के मैंने लेक्चर लिए हुए थे, इंटरनेशनल मॉरेलिटी पे मैंने एथिक्स के लेक्चर लिए हुए थे. इवन मैंने ये तक डिस्कस किया हुआ था कि कहां पे कौन सी कंट्री, कब युद्ध करना जायज है, वॉर करना किन किन समय पे जायज है, इंटरनेशनल मॉरेलिटी इस पे क्या कहती है, इस पे मैंने क्वेश्चन एक पूरा लेक्चर लिया हुआ था और वही चीज एग्जैक्टली वो एग्जाम में आ गई थी एंड आई रोट दैट आंसर वेरी कॉन्फिडेंटली. तो आई होप ये सारे लेक्चर्स आपके लिए और वो सारी प्लेलिस्ट आपके लिए यूजफुल होती रहेगी. और इस बार जो है मेंस बहुत खतरनाक आया हुआ था सर, बहुत खतरनाक आया हुआ था. तो उसमें कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस थे जिनको यूजुअली आप इधर उधर की नॉलेज से ही अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो वो ट्रिकी क्वेश्चंस मैंने कैसे अटेम्प्ट किए थे ये भी मैं इसकी अलग से वीडियोस, मेंस की वीडियोस अलग से लाऊंगा. आई होप ये सारी चीजें आपके लिए यूजफुल साबित होंगी. थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.